Please do subscribe to our channel and click the bell icon. कोलकाता में कैदी का ट्रीसन काशीर यानी विजय एक छोटा अपराधी पुलिस को एक एस्केप्ड कैदी विवेक बनर्जी यानी टोटा रॉय चौधरी को पकड़ने में मदद करता है, लेकिन वह खुद बाद में एस्केप जाता है। वह चेन्नई जाते हैं और अपने दोस्त और साथ अपराधी रवि यानी सतीश के साथ बैंकॉक से भागने का फैसला करते हैं। हालांकि वह हवाई अड्डे पर अंकिता यानी सामंथा रुत प्रभु के साथ प्यार में गिरने के बाद इस योजना को छोड़ देता है, जो उसे विश्वास में भगाता है कि वह उस पर विवाह करने के बाद उससे शादी करना चाहता है। बाद में काटरीसन और रवि ने जीवन रेडन जीव यानी भी विजय नामक कथित के एक डोपेलगेंजर को देखा, जिसे ठगों के एक समूह ने गोली मार दी थी। उन्होंने उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद काठारसन ने पुलिस से भागने के लिए घायल जीवन नंदन का प्रतिरूपण करने का फैसला किया। अपने डोपेलगेंजर का नाम के तहत काठारसन और रवि जीवनाधुन द्वारा एक पुराने आयु वाले घर में अपने बैंकॉक यात्रा के लिए 25 लाख जो कि पुरानी उम्र वाले घरों के लिए है एकत्र करने का लक्ष्य दर्ज करते हैं, जब तक कि वे इसके बारे में नहीं सीखते। अपने डोपेलगेंजर के मिशन जीवन नंदन में एक साम्यवादी विचारधारा और तिरुनेलवेली जिले में थानुकु के शुष्क गांव से हाइड्रोलॉजी में स्नातकोत्तर है, जिसने गांव की कुछ भूमि के तहत भूजल की खोज की थी, जिसे न केवल गांव के लिए एक सिंचाई स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि पूरे तिरुनेलवेली के लिए जिला और पड़ोसी थूथुकुड़ी जिले भी है। लेकिन चिराग यानी नील नितिन मुकेश के स्वामित्व वाले एक एमएनसी ने एक कारखाने के निर्माण के लिए अपनी भूमि देने के लिए ग्रामीणों को धोखा दिया। जीवन नंदन को पुलिस और 6 ग्रामीणों द्वारा गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि इस मुद्दे को मीडिया के साथ मनाया गया और जीवन दान की रिहाई जनजाति में आत्महत्या कर दी गई। जीवन नंदन और ग्रामीणों की दुर्दशा के बारे में सीखने पर कथिरसन अपने जीवन के लिए लड़ने का फैसला करता है, जबकि अभी जीवन नंदन के नाम के तहत पुराने घर के लोग और कथिरसन जूरी के पास जाते हैं और उन्हें उनके पक्ष में जाने के लिए राजी करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कथिरसन नए नियमों का पालन करना शुरू किया और मुख्य जूरी व्यक्ति जिसे चिराग ने रिश्वत दी थी को डराता है। काथरीसन तब चिराग को एक व्यक्ति एक नए के रूप में प्रच्छन भेजता है और चिराग की गर्दन पर एक फिंगरप्रिंट रखता है। उसके बाद चिराग काठसैन को मारने के लिए 50 लोगों को भेज दिया गया, लेकिन वह जल्द ही उन्हें उन सिक्कों के इस्तेमाल से पराजित कर देता है। जब ग्रामीणों ने उनके लिए एक समारोह में भाग लिया था और बायकी की मूवी जी सिनेमा पर प्रेम रे आ रही है 3 दिसंबर को और साउथ इंडियन मूवी की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए।